बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है, महात्मा गांधी पर विवादित बयान देने वाले कालीचरण महाराज को गिरफ्तार किया गया। रायपुर में धर्म संसद में कालीचरण महाराज ने गांधी जी के बारे में अपशब्दों का इस्तेमाल किया था और गांधी के हत्यारे गोडसे की काफी तारीफ की थी। बड़ा इनपुट उसमें ये मिल रहा है कि इस विवादित बयान देने वाले कालीचरण महाराज को गिरफ्तार किया गया। रायपुर में धर्म संसद में कालीचरण महाराज ने अपशब्द कहे थे गांधी जी के बारे में। गांधी के हत्यारे गोडसे की काफी तारीफ की थी और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में अपशब्दों का इस्तेमाल किया था। बड़ी कार्रवाई की जानकारी है, गिरफ्तारी की जानकारी है। महात्मा गांधी पर विवादित बयान देने वाले कालीचरण महाराज को गिरफ्तार कर लिया गया। रायपुर में धर्म संसद के मौके पर कालीचरण ने जिन अपशब्दों का इस्तेमाल किया था, गांधी के हत्यारे गोडसे की जो जमकर तारीफ की थी, उस पर यह बड़ी कार्रवाई। आखिरकार कालीचरण महाराज की हुई गिरफ्तारी। रायपुर में धर्म संसद में मंच पर कालीचरण महाराज ने गलत भाषा का अपशब्दों का इस्तेमाल किया था गांधी जी के बारे में। गांधी जी के हत्यारे गोडसे की काफी तारीफ की थी कालीचरण महाराज ने और इन विवादित बयानों के बाद ये बड़ी कार्रवाई की जानकारी कि कालीचरण महाराज को गिरफ्तार कर लिया गया है। अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया गया था राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में, अपशब्द किए थे, अपशब्द बोले गए थे, गांधी जी के हथियारे गोडसे की काफी तारीफ कर दी थी और इन सब के बाद अपने विवादित बयान के बाद लगातार सवालों में था यह बयान। अब बड़ी और कड़ी कार्रवाई, कालीचरण महाराज की हुई गिरफ्तारी। रायपुर की धर्म संसद का मामला है ये। मंच पर कालीचरण महाराज ने गांधी जी के बारे में गलत भाषा का, अमर्यादित शब्दों का, अपशब्दों का इस्तेमाल किया था और गांधी जी के हथियारे गोडसे की काफी तारीफ की थी। उस अमर्यादित टिप्पणी के केस में कालीचरण महाराज अपनी अभद्र टिप्पणी के बाद से लगातार कार्रवाई की आवाज उठ रही थी। गिरफ्तार कर लिए गए कालीचरण महाराज। गांधी जी पर विवादित बयान, अभद्र टिप्पणी, अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल, इस मामले में हुई गिरफ्तारी कालीचरण महाराज की। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आ रही है। खजुराहो से गिरफ्तारी हुई कालीचरण महाराज की, इनपुट इस वक्त आ रहा है। कालीचरण महाराज ने गांधी जी के बारे में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था, अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया था, अपशब्द कहे थे। गांधी के मामले में अपशब्द बोलने के लिए मुझ पर FIR दर्ज हुई, मुझे उसका कोई पश्चाताप नहीं है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की, खजुराहो से गिरफ्तार किया गया कालीचरण महाराज को। रायपुर में धर्म संसद हुई थी, कालीचरण महाराज ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी, अमर्यादित शब्दों का, अपशब्दों का इस्तेमाल किया था और साथ ही साथ गांधी जी के हत्यारे की यानी कि गोडसे की खूब तारीफ की थी। इसी मामले पर लगातार गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी कालीचरण महाराज पर। तो महात्मा गांधी पर जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया था, जो अभद्र टिप्पणी की गई थी धर्म संसद में कालीचरण महाराज द्वारा, वो सुनिए जरा। मोहनदास करमचंद गांधी ने नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है। देखो ऑपरेशन करना बहुत जरूरी होता है, ये फोड़े फुंसियों का, नहीं तो ये कैंसर बन जाते हैं। तो यही था वो अमर्यादित बयान, यही था वो विवादित बयान जिसमें अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया था, अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया था, गांधी के हत्यारे गोडसे को नमस्कार कर उनकी तारीफ की गई थी। इसी से छिड़ा विवाद, आखिरकार कालीचरण महाराज हुआ गिरफ्तार। रायपुर में धर्म संसद का मौका था, वहां पर अपशब्दों का इस्तेमाल जमकर किया गया था गांधी जी के बारे में, उनके हत्यारे गोडसे की तारीफ की गई थी और जो सफाई इसके बाद सामने आई थी उस पर भी डालिए नजर। गांधी के मामले में अपशब्द बोलने के लिए मुझ पर FIR दर्ज हुई, मुझे उसका कोई पश्चाताप नहीं है। तो कालीचरण महाराज की गिरफ्तारी की इस वक्त बड़ी जानकारी आ रही है, वो बयान जो लगातार विवादों में था, वो बयान जिसमें अभद्र अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया गया था, वो हम लगातार आपको सुनवा भी रहे थे, जिसमें गांधी जी के खिलाफ
गलत शब्दों का इस्तेमाल किया गया था और गांधी जी के हत्यारे गोडसे की तारीफ की गई थी, वो बयान हम आपको सुनवा रहे हैं। इसके बाद किस तरीके से यू टर्न लेते हुए अपनी सफाई सामने लाता है कालीचरण महाराज, आखिरकार अपने विवादित बयान के बाद गिरफ्तारी हो गई है, खजुराहो से गिरफ्तारी हुई है, ये जानकारी इस वक्त आ रही। अभद्र टिप्पणी केस में आखिरकार कालीचरण महाराज गिरफ्तार हो गया। धर्म संसद में जिस अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया था राष्ट्रपिता के खिलाफ, लगातार गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी, आखिरकार खजुराहो से गिरफ्तारी हो चुकी है। अब शब्दों को इस्तेमाल करना, अभद्र टिप्पणी करना, अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करना, इस पूरे मामले में गांधी जी के खिलाफ और साथ ही साथ उनके हत्यारे की तारीफ करना धर्म संसद के मंच से कालीचरण महाराज को महंगा पड़ा। आखिरकार उनको खजुराहो से गिरफ्तार किया गया है, ये जानकारी इस वक्त की मिलती हुई। हम आपको सुनवा रहे हैं वो विवादित बयान जो धर्म संसद के मंच से दिया गया था कालीचरण महाराज द्वारा। तो इस बयान को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ गलत शब्दों का इस्तेमाल करना, अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करना, अभद्र टिप्पणी करना, उसके बाद यू टर्न लिया, सफाई भी सामने आई, लेकिन लगातार गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी, खजुराहो से गिरफ्तारी हुई है। बहरहाल प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।